हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? भावना गुटवीर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी, एक नया टेस्ट और एक नई खुशबू लेकर। तो आज मैं लेकर आई हूँ मूली, और ये ताज़ा मूली है जो मैंने अभी ली है ये, और मैंने इनको वॉश कर लिया अच्छी तरह से और इनका पानी निकल चुका है। तो मैं आज मूली की भुजिया बनाने वाली हूँ, और मूली की भुजिया बहुत ही टेस्टी लगती है क्योंकि इस टाइम में ठंडी के मौसम में जो मूली होती है वो सीजनल होती है, ताजी होती है, ये स्टोरेज नहीं होती है। तो देखिए, ये मैं मूली की भुजिया बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इनके जो डंठल है उनको तोड़ लेती हूँ, और इनके जो पत्ते हैं उनको मैं तोड़ लूंगी इस तरह से। और सबसे पहले हम मूली की भुजिया बनाने के लिए इसके पत्ते और मूली और जो भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं उस सबको हम इसमें डालने के लिए काटेंगे। तो मैंने ये मूली है और ये 1/2 kg है, और मैं इसको पहले काट लेती हूँ। तो मैंने ले लिया है ये 1 प्लेट, और मूली के पत्ते जो हैं वो से मैंने पहले से ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसका पानी अब निकल चुका है। तो मैं सबसे पहले ये मूली की भुजिया काट लेती हूँ। तो मैं इसे जितना हो सकता है उतना ही मैं इसे बारीक काटने की कोशिश करूँगी। तो मैं इसे पहले इस तरह से काट लेती हूँ छोटे छोटे। मूली की भुजिया को लोग कई तरह से बनाते हैं। कई बार कई तो ऐसे करते हैं कि मूली के पत्तों को काट के पहले उसे बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद में उसे निचोड़ कर और तब भुजिया बनाते हैं। उससे ये होता है कि जो भी मूली के पत्तों का जो भी होता है मिनरल होता है, जो भी उनकी ताकत होती है पत्तों की, वो सब वेस्ट निकल जाती है, उस पानी को वो फेंक देते हैं। और इस तरह से बनाने का मेथड बिल्कुल बेकार लगता है मुझे, और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से अपने घर में मूली की भुजिया बनाती हूँ जो टेस्ट के साथ में हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं काट लेती हूँ पहले से, और मैं इसे आज बिना बॉईल किए ही बनाऊंगी क्योंकि मैं कभी बॉईल करके नहीं बनाती हूँ, जिससे कि उस चीज़ का ताकत निकल जाए, पानी उसका बाहर निकल जाए। और मैं इसे बिना बॉईल किए ही बनाऊंगी डायरेक्ट ही, और देखिए इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है और आपको बहुत पसंद आएगा। वैसे मूली की भुजिया को लोग ठंडा समझते हैं कि ये ठंडी होती है तो हम इसे नहीं खाएंगे, लेकिन मैं इसे बनाऊंगी एक खास तरीके से और आपके ये तरीका काम आने वाला है। तो आप इस रेसिपी को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा और हो सकता है ये आपके काम की रेसिपी निकले। तो मूली के सारे पत्ते मैंने काट लिए हैं। इसके बाद में ये जो मूली है तो इसमें से थोड़ी सी मूली मैं इसमें डालूंगी क्योंकि व्हाइट के साथ में, ग्रीन के साथ में व्हाइट का बहुत ही अच्छा मुझे कॉम्बिनेशन लगता है। तो मैं पीली पहले इसे छील लेती हूँ, इस तरह से छील लेती हूँ पहले। तो इसको छीलने के बाद में मैं इस मूली के छोटे छोटे पीसेस काट लेती हूँ, और इसके पत्ते जो ग्रीन हैं और मूली है एकदम व्हाइट, तो इसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मूली के पत्तों के साथ में मूली को भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो मैं इसको इस तरह से काट लेती हूँ छोटे छोटे पीसेस में। तो मूली काटने के बाद में मैंने इसमें 2 आलू भी लिए हैं, तो मैं आलू को भी मूली की साइज में ही छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ। इस तरह से आलू भी काट लेती हूँ क्योंकि मूली की भुजिया में मुझे आलू का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और साथ ही मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी। तो आलू भी मैंने काट लिए हैं। अब जो मैंने ये मोटी वाली हरी मिर्ची ली है मैं इसको भी काट लेती हूँ, पीट में से कट करूंगी, और इस तरह से इसको भी छोटे छोटे पीसेस में काट लेती हूँ। तो मोटी वाली हरी मिर्ची को भी मैंने इसमें काट लिया है। तो मूली के पत्ते और मूली, आलू और मोटी वाली मिर्ची, इन सबको मैंने काट के कर लिया है रेडी। तो शुरू करते हैं अब भुजिया बनाना। तो मूली की भुजिया बनाने के लिए मैंने कर दिया है फ्लेम चालू, कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में डाल दिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। तो सरसों का तेल पहले गरम कर लेते हैं। तो तेल हो गया है गरम, तो मैं डालूंगी इसमें 1/2 स्पून लिया है अजवाइन डाल देती हूँ, और 1 चुटकी में डालूंगी इसमें हींग, और हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है हर सब्जी में। तो अजवाइन और हींग का हो गया है कलर एकदम सुनहरा, तो मैं इसमें डालूंगी टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर मैंने डाल दिया है, फ्लेम कर दिया है मैंने एकदम लो। इसके बाद में कटी हुई मूली, मूली के पत्ते, आलू और बड़ी मोटी वाली मिर्ची को मैंने इसमें डाल दिया है। अब डालूंगी इसमें रेड चिली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, गरम मसाला 1/2 स्पून, और 1/2 स्पून डालूंगी इसमें कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, और फाइनली डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, सॉल्ट डाल देती हूँ। और इस सबको मैं कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स, और मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ। और तो मैं इसमें आलू डाले हैं, कटे हुए आलू, तो आलू पकने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी।
ज़्यादा नहीं डालना है पानी, क्योंकि मूली के पत्तों में तो पानी ऑलरेडी आ जाता है, लेकिन जब आप खुले बर्तन में से बनाते हो तो थोड़ा कम पानी आता है, कुकर में बनाते हो तो वो जल्दी ज़्यादा पानी छोड़ देती है। तो मैंने ये इतना पानी लिया है, छोटा थोड़ा सा पानी लिया है, ये एक बड़ा चम्मच होगा, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और अच्छे से कर लेती हूँ इस सबको मिक्स। और देखिए कितना अच्छा कलर आने लगा है भुजिया का भी से। और ये भुजिया मेरे घर की सबसे फेवरेट भुजिया है। और अब जाड़े का सीजन शुरू होने वाला है, मूलियों का सीजन आ गया है, तो ये हर तीसरे चौथे दिन भुजिया मेरे घर में बनती है। तो मैं ढक्कन डालकर इसे लो और मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। तो हो गए हैं 3-4 मिनट, तो खोलती हूँ ढक्कन और भुजिया चेक करके देखते हैं कि भुजिया कैसी बनी है, और आपको दिखा देती हूँ पास से। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी भुजिया से। और आप इस तरह बनाएंगे तो जो भुजिया के जो विटामिन है, जो इसके पत्तों की ताकत है, जो इसके सब्जी की जो एनर्जी है, वो आपको फुल मिलेगी। आप इसे बॉईल करके निचोड़ के ना बनाएं। और मैं इसी तरह से बनाती हूँ, घर के सारे बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद आती है ये भुजिया। और देखिए आप देख सकते हो बहुत ही टेस्टी भुजिया बनने वाली है आज। तो आप इसे 2-3 मिनट पर कंटिन्यू इसे चला चलाकर ऊपर नीचे करते रहें ताकि ये ऊपर नीचे अच्छी तरह से पक जाए। और ढक्कन डालकर आपको इसे मीडियम और लो फ्लेम पर ही पकाना है, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, धीरे धीरे स्लो स्लो इसे पकने देना है। तो हो गए हैं 4-5 मिनट, मुझे 2 मिनट, 2 बार मैंने इसे बीच में चला भी दिया था। और देखिए मूली की भुजिया एकदम बढ़िया बनी है देखिए। और इसका आलू भी टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए आलू एकदम कट हो गया है, और अब मूली का एक पीस लेते हैं। हाँ ये है मूली का पीस, और इसे करते हैं कट, ये भी कट हो गया है। तो मूली की भुजिया बन के हो गई है एकदम रेडी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतज़ार। और आप जब इस भुजिया को एक बार खाएंगे तो इसे इसी तरह से बार बार बनाएंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और देखिए, आपको खुद इसको देखकर बता सकते हैं कि इसका कलर और इसका टेस्ट कितना अच्छा आया होगा। तो मैं इसे 2 मिनट खोल के पका लेती हूँ अभी। और जब आप भुजिया बनाएं तो उसे 2-3 मिनट के लिए आप खोल कर ज़रूर बनाएं, इससे भी एक अलग टेस्ट आता है खोल के पकाने से, जो उसके अंदर का जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है और एकदम बढ़िया टेस्ट आ जाता है। तो मैं इसे 2 मिनट खोल के पका लेती हूँ। तो मूली की भुजिया हो गई है बनके रेडी, और मैं इसको एक कटोरी में आपको पलट के दिखाती हूँ। और देखिए पास से आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर भुजिया का आया हुआ है, बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी मूली की भुजिया बनके रेडी हुई है, एकदम अजवाइन तड़के वाली। और आपको कलर देख के पता चल रहा होगा कि ये भुजिया कितनी ज़्यादा टेस्टी होगी। अगर आपको मेरी भुजिया पसंद आई हो मूली की, और इसका कलर पसंद आया हो, टेस्ट पसंद आया हो, और इसका बनाने का स्टाइल पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी मूली की भुजिया कैसी लगी है, और मैं इसी तरह से बनाती हूँ तो सब लोग चाट जाते हैं अपनी उंगलियाँ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।